देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौतों का कारण स्पष्ट होगा। वहीं बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई, हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के कारण समर वैकेशन 25 जून तक बढ़ा दिया है। ओडिशा में भी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। नई दिल्ली का तापमान 45 डिग्री और जयपुर का तापमान 42 डिग्री के करीब रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मानसून अमूमन गुजरात में 15 से 20 जून के बीच दस्तक देता है, लेकिन इस बार 11 जून को ही गुजरात के नवसारी में मानसून की बारिश हुई। अहमदाबाद मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार साउथ वेस्ट डिस्टरबेंस के चलते मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। यह 20 जून तक अहमदाबाद और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों सहित अन्य हिस्सों में आगे बढ़ता है। 25 जून तक सौराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। 30 जून तक पूरे गुजरात को कवर करता है। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।